हेलो एंड वेलकम टू अंजलीज बेक अफेयर। आज वर्ल्ड पीनट बटर डे है, तो पीनट्स की बात की जाए यानी कि मूंगफलियों की बात की जाए तो मेरी तो ये फेवरेट है। मैं तो लिटरली हर चीज के साथ मूंगफली खा सकती हूँ, उनको सिंपली ऐसे रोस्ट करके चाय के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उपमा, पोहा, पुलाव, हर चीज में आई कैन एक्चुअली जस्ट पुट दीज रोस्टेड पीनट्स एंड एंजॉय द डिश। एक बहुत अच्छा क्रंची एलिमेंट एक तो पीनट्स के साथ आ जाता है जब आप किसी भी चीज में उसको ऐड करते हैं, और उनका टेस्ट ऑफकोर्स है ही नेचुरली स्वीट होता है, एंड देर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। सो आज वो सब बातें बाद में, आज हम सिर्फ पीनट बटर, क्रीमी पीनट बटर की बात करेंगे जो आज की रेसिपी है, और इसकी बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको इस रेसिपी के दौरान देती जाऊंगी। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर फटाफट से कर लीजिए। तो चलिए क्रीमी होममेड पीनट बटर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए जो चीजें चाहिए वो है मूंगफली, ये अच्छी तरह भुनी हुई होनी चाहिए। मेन चीज़ तो आपको बस मूंगफली चाहिए। देखिए खाली मूंगफली से भी आप ये पीनट बटर बना सकते हैं। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट और मिठास के लिए जरा सी हनी या गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मूंगफली को भूनने के लिए एक कढ़ाई में या एक सॉस पैन में उसको हल्की आंच पर 6-7 मिनट अच्छी तरह भूनिए, तब तक जब तक अंदर का कच्चा टेस्ट बिल्कुल निकल जाए। तो मूंगफली हमारी भुन गई है, अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो छिलके के साथ पीसकर इसका पीनट बटर बना सकते हैं, चाहें तो सारी मूंगफलियों का छिलका अच्छी तरह निकाल सकते हैं और फिर इसका पीनट बटर बना सकते हैं, या मेरी तरह कुछ मूंगफलियों में से छिलका हटाइए, कुछ का रहने दीजिए और फिर इसका पीनट बटर बनाइए, लेकिन इन्हें अच्छी तरह ठंडा करना बहुत ज़रूरी है पीसने से पहले। और पीसने के लिए जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर वाला सेट होता है उसमें सबसे छोटा जार जो ड्राई ग्राइंडिंग वाला होता है, सूखी चीज़ें पीसने वाला जो जार होता है वो यूज़ होगा। तो उसमें अपनी मूंगफली डालिए और उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाइए, क्योंकि बीच बीच में ये जार गर्म हो जाता है। थोड़ी देर चलाइए फिर रुकिए। रेसिपी थोड़ी सी पेशेंस चाहती है आपके साथ जब आप इसे बनाते हैं। जब मैंने पहली बार बनाया था तो मुझे लगा बस मैं मिक्सी घुमाऊंगी और 10-15 सेकंड्स में ये पीनट बटर तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे बर्स्ट में अपनी मिक्सी को चलाना है तब ये पीनट बटर बनेगा। पहली स्टेज ये होगी पीनट मील या पाउडर जैसा बन जाएगा, इसके बाद आप और चलाएंगे तो इसके ऑयल्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। जब इसके अंदर से ऑयल्स निकलेंगे तो ये धीरे धीरे स्टिकी और गीला होना शुरू होगा। अब अगर आप इसमें नमक और कुछ मिठास के लिए कोई चीज डाल रहे हैं और स्वीटनेस के लिए अगर कुछ डाल रहे हैं तो अब आप उसको डाल सकते हैं। अगर आपके पास मूंगफली का तेल यानी कि ग्राउंडनट ऑयल है तो बेस्ट है, ऑलिव ऑयल बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि ऑलिव ऑयल का अपना फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। और मीठे के लिए आप हनी या गुड़ दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली ये अपने बटर के फॉर्म में आ रहा है। अब इसको देखिए कितना ब्यूटीफुल और क्रीमी सा ये पीनट बटर बना है, आई जस्ट लव इट। और अब आपने देख लिया है कि इसे बनाना कितना ज्यादा आसान है।
तो ये बनाइए और रखिए घर में, सबको बहुत पसंद आएगा। इट्स हाई ऑन न्यूट्रिशन, अ लिटिल हाई ऑन कैलोरीज एज वेल, बट मॉडरेशन में खाएं तो बहुत अच्छा है। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड एंजॉय।